नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका छंद काफ़ी बच्चों को इसका अंतर नहीं समझ में आता है मात्रा नहीं लगा पाते हैं किस प्रकार से कह सकते हैं इसमें से वर्णिक छंद होता है मात्रिक छंद होता है सिंगल मात्रा कब लगती है डबल मात्रा कब लगती है हर एक प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए तभी इस वीडियो को देखिएगा वरना आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि आधा ज्ञान लेने से कोई मतलब नहीं निकलता है ठीक है तो चलते हैं यहाँ पर हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझेंगे हर एक उदाहरण को समझेंगे लेकिन उसके पहले इसकी मात्राएं किस प्रकार से लगाई जाती हैं इसकी एक कह सकते हैं थ्योरी से क्वेश्चन आपके बहुत बन रहे हैं तो आपको इसके थोड़े से आपको थ्योरी पढ़ लेना है इसके बाद आपको हर एक उदाहरण बताएंगे हर एक आपको बताएंगे वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए ठीक है क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं कि नोट्स आपकी कह सकते हैं छोटी छोटी लिखी हुई है ठीक है तो क्वालिटी आप फुल कर लीजिए चलिए यहाँ पर छंद क्या है खेल आपसे छंद का अर्थ है बंधन बंधन मुक्त रचना को गद्य कहते हैं देखिए बंधन मुक्त रचना को गद्य कहते हैं और बंधन युक्त को पद्य कहते हैं अर्थात कह सकते हैं कि छंद पद्य जो छंद होता है उस पद्य रचना को कहते हैं जो वर्णों अथवा मात्राओं की गणना अर्थात यति गति क्रम व तुक के विशेष नियमों से युक्त होती है इसे हम लोग छंद कहते हैं अब ये कि यहाँ पर छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों का क्रम अथवा मात्राओं की संख्या क्या होती है निश्चित होती है छंद के अंग देखा जाए तो छंदों को सही ढंग से समझने हेतु छंद के अंगों को समझना आवश्यक है ये निम्नलिखित हैं वर्ण मात्रा यति गति तुक चरण गण ये आपको पॉइंट समझना है याद रखिएगा कि विषम चरण जो होते हैं तो विषम चरण में क्या होता है छंद के प्रथम और तीसरे चरणों को विषम कहते हैं और समचरण किसे कहते हैं छंद के दूसरे और चौथे चरण को क्या बोलते हैं समचरण अभी आपको पूरा पूरा कर समझाएंगे ठीक है अब यहाँ पर वर्ण देखिए दो प्रकार के होते हैं लघु होती है और गुरु होते हैं लघु जो वर्ण होते हैं कौन तो इन्हें हम लोग हसर कहते हैं जैसे कि आपका छोटा छोटी छोटाऊ और आपका ऋषि और याद रखिए जो चंद है इसका भी मात्रा आपका सिंगल ही लगता है ठीक है ना तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है आप कह सकते हैं कि जो गुरु होता है गुरु तो गुरु में आप कहते हैं दीर्घ स्वर अर्थात बड़ा बड़ी बड़ाऊ ए आ, ओ औ, अंक आहा इनको हम लोग गुरु बोलते हैं इनका चिन्ह क्या लगता है इस प्रकार से लगता है अब यहाँ पर देखिए मात्रा मात्रा क्या है किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं लघु चिन्ह की मात्रा आपकी सिंगल होती है और गुरु की कह सकते हैं इस प्रकार से होती है ठीक है ना चलिए यहाँ पर देखा जाए अब यत क्या होती है इसको समझ लीजिए यति यत मतलब होता है विराम कभी कभी छंद का पाठ करते समय कहीं कहीं पर क्षण भर को रुकना पड़ता है और इस ठहरने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं यत कहते हैं ठीक है और इसके चिन्ह आपके कई प्रकार के हो सकते हैं कौमा हो सकता है पूर्ण विराम हो सकता है विस्माद बोधक हो सकता है आदि हो सकते हैं जहाँ पर रुकना है गत की बात करें तो गत क्या होता है गत मतलब होता है लय ठीक है और छंदों में एक प्रकार का प्रवाह होता है जिससे उनमें माधुर्य आता है और छंद लयपूर्ण हो जाता है इस पद प्रवाह को गत कहते हैं ठीक है थीके? तुक की बात करें तो तुक क्या है तुक मतलब होता है जोड़ना या मिलान देखिए छंद के पदों के अंतिम वर्णों में जो समानता पा जाती है उसे तुक कहते हैं ठीक है देखो आप लोग चौपाई पढ़ते हैं जब रामायण पढ़ते हैं तो एक दूसरे की एक तुक से आप लोग बोलते हैं बड़ा अच्छा लगता है अब आता है चरण चरण क्या है तो चरण मतलब पाद होता है ठीक है छंद की हर पंक्ति के जो चरण होता है उसे हम लोग पाद कहते हैं अब गण की बात करें तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा गण कितने होते हैं तो याद रखिए तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं और वर्णिक छंदों में लघु और काम कह सकते गुरु का क्रम बनाए रखने के लिए वर्णों का जो आपका प्रयोग होता है वो आपके आठ प्रकार के गण होते हैं कितने होते हैं गण आपके आठ प्रकार के होते हैं ठीक है यगण मगढ़ तगढ़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़ ये होते हैं ठीक है ठीके? अभी आपने समझ लिया क्योंकि यहां से परिभाषा क्वेश्चन आते हैं अब आपको देखना है कि वर्ण और मात्रा के आधार पर छंद के चार भेद होते हैं देखो वर्ण और मात्रा के आधार पर वर्णिक छंद मात्रिक छंद और आपका मुक्तक छंद आपके एग्जाम अगर पूछे तो आपको कितना बताना है सिर्फ तीन ही बताना है कौन मात्रिक छंद वर्णिक छंद और आपका मुक्तक छंद आपको उभय छंद नहीं बताना है ठीक है चलिए अब यहां पर है मात्रिक छंद मात्रिक छंद होता है कि

चौबीस होती हैं, रोला हो गया इंद्रवजा ये आपके समान होते हैं का अर्थ कह सकते हैं अर्धसम की बात करें, जिन छंदों में पहले और तीसरे स्थान दूसरे और चौथे लक्षण एक समान हो उन्हें अर्धसम कहते हैं जैसे दोहा होता है सुरठा होता है बरबे होता है उल्लाह होता है अब पर एक लास्ट का पॉइंट है विषम व्रत अर्थात जिसे बोलते हैं विषम छंद जिन छंदों में चार से अधिक अर्थात छः चरण हो उन्हें हम लोग कहते हैं एक से ना हो अर्थात तो उन्हें कह सकते हैं एक से अधिक होते हैं उन्हें विषम छंद कहते हैं जैसे कुंडलियां होती हैं छप्पे होती हैं ये आपकी पांच मिनट की कह सकते हैं थ्योरी थी क्योंकि इस समय एग्जाम में थ्योरी से ही क्वेश्चन आते हैं अब यहां पर समझ लीजिए कि आप लोग मात्राएं किस प्रकार लगाते हैं बारह खड़ी आपने पढ़ा होगा कका किक्की और पढ़ा है ना आप लोग बचपन में पढ़े होंगे तो देखो तो देखो जो आपका पहला होता है सिंगल होता है फिर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल यहाँ पर देखिए ऋषि जो ऋषि होता है वो भी क्या होता है सिंगल ही होता है ठीक है फिर आपका कह है सकते हैं ए ए अंक ये आपके होते हैं डबल होते हैं समझ में आ गया ना तो इस प्रकार से ये आपके बारह खड़ी होती है आप समझते हैं कका जो होता है पहले वाला वो छोटा होता है का बड़ा होता है वो डबल होता है अर्थात स्थान ये होता है अब यहां पर आपको पढ़ना है दोहा से स्टार्ट करते हैं भाई ठीक है देखिए पर दोहा है दोहा की परिभाषा क्या होती है कि यह मात्रिक अर्ध सम छंद है दोहा में चार चरण होते हैं पहले और तीसरे अर्थात विषम चरणों में तेरह तेरह मात्राएं होती हैं दूसरे और चौथे अर्थात सम चरणों में ग्यारह ग्यारह मात्राएं होती हैं इस छंद के दूसरे और चौथे चरण के अंत में लघु चिन्ह होता है तथा इन्हीं चरणों में दोहे का तुक भी मिलता है आप समझ लीजिए यहां पर आपका ये उदाहरण लिखा है ठीक है और जहां कभी भी ऐसे अगर लिखा हो श्याम ठीक है श्याम तो याद रखिए इसकी मात्रा को जोड़ा नहीं जाता कभी भी याद रखिए इसकी मात्रा नहीं जुड़ेगी सिर्फ यहाँ पर एक इस प्रकार से बन जाएगा तो अब आपको यहाँ पर उदाहरण लेके आते हैं अब उदाहरण में आपको हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा जो हम आपको प्रयास कर रहे हैं बताने का ठीक है चलिए यहाँ पर आपसे दिया है मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई जा तन की झाई परे श्याम हरित द्वितीय होय तो देखिए यहां पर आपका ये है आपका प्रथम चरण यहां तक आपका है क्या प्रथम चरण है ये आपका द्वितीय चरण है ये आपका तृतीय चरण है ये चतुर्थ चरण है ठीक है यहाँ पर आपके देखिए ये पॉइंट आपके कॉमन है ये आपके कॉमन है अर्थात ये तुक का, का काम करते हैं कि जो चीज ये आपका होता है तुक यहाँ पर एंडिंग पॉइंट है अर्थात यहाँ पर रुकना है यहाँ पर भी रुकना है क्योंकि यहाँ पर कॉमा है यहां भी रुकना है ठीक है अब देखिए मात्रा क्या है दो यहां पर आपके देखो एक मात्रा है अर्थात डबल मात्रा हो गई बड़ी री है

traina और इसी प्रकार देखेंगे तो तृतीय चरण में आपकी तेरह मात्राएं हैं और चतुर्थ में आपकी ग्यारह मात्राएं हैं तो आपका जो दोहा होता है तो दोहा में होता है क्या कि जो पहला और तीसरे अर्थात विषम चरणों में आपकी तेरह तेरह मात्राएं होती हैं और सम चरणों में आपकी क्या होती है? हैं ग्यारह ग्यारह मात्राएं होती है उसे हम लोग बोलते हैं दोहा ये उदाहरण है स्क्रीन ले सकते हैं और अच्छे से इसको लिख लीजिए ताकि कभी भी आपको दिक्कत ना हो ठीक है चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं जो दोहा का उल्टा होता है ठीक है दोहे का उल्टा होता है कौन इसका होता है सोरठा ठीक है अब समझिए क्या है? तो पहले और तीसरे चरण में क्या होती है ग्यारह ग्यारह मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में तेरह तेरह मात्राएं होती मिला तो दोहे का उल्टा होता है जैसे कि आपका एक उदाहरण देते हैं यहां पर देखो बिल्कुल वही है अर्थात यहां पर दिया है कि मुक हो पंग चढ़े गिरवर गहन जस कृपा सुदयालु द्रव सकल कलिमल दहन यहां पर देखो अगर मात्राएं देखते हैं तो मात्राएं बड़ा ओ की मात्रा है तो डबल का है सिंगल संग, सिंगल वही आपका ये हो गया कुल मिला कि यहाँ पर मात्राएं आप देख लीजिए नोट कर लीजिएगा अच्छे से क्योंकि इस प्रकार से कोई आपको बताएगा नहीं ठीक है हम एक बार आपको बता दे रहे हैं हमेशा नोट कर लेना प्रैक्टिस सेट में आपको जरूरत पड़ेगी ठीक है तो यहां पर आप कह सकते हैं जो आपका मुख हुई वाचाल ठीक है तो यहां पर कितनी मात्राएं निकल रही हैं? आपकी ग्यारह मात्राएं अर्थात ग्यारह मात्रा निकल रही हैं। यहां पर आपकी तेरह मात्राएं निकल रही है तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि चार आपके होते हैं विषम होता है ठीक है कहाँ कहां का क्या होता है आपको समझ में आ गया है है ना जो आपका विषम होती हैं जो तो उसमें आपकी ग्यारह मात्राएं जो सम में होती हैं आपकी तेरह मात्राएं है कि इसमें होता है सोरठा में होता है ना कि दोहा में समझ में आ गया आगे बढ़े चलिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक भी करिए और हमने बता दिया है वीडियो को पूरा ही देखिए अगर देखना शुरू किए हैं एक भी पॉइंट आप मिस मत करिए अगला है चौपाई चौपाई क्या है तो यह मात्रिक सम छंद है क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सम मात्रिक छंद कौन होता है तो चौपाई चौपाई में कह सकते हैं चार चरण होते हैं और इस छंद के प्रत्येक चरण में आपकी सोलह मात्राएं होती हैं तथा चरण के अंत में प्राय दो गुरु होते हैं देखिए जबकि ये देखिए डबल है यहाँ भी डबल आपका है अर्थात एक पहचान होती है अब यहाँ पर देख लीजिए आपका जो कह सकते हैं चौपाई में उदाहरण है ये आपका इस प्रकार है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना तनु बिनु परख नयन बिनु देखा गहे प्राण बिनु वास अशेखा देखिए जो शुद्ध लिखा होता है जो इस प्रकार से शुद्ध होता है तो 100 परसेंट आप यहाँ पर लगा सकते देखिए छोटा छोटी की मात्रा है छोटाऊ की मात्रा है इसमें भी सिंगल यहाँ पर देखो अंकी बिंदी है डबल हो गया यहाँ पर आपका कैसे छोटा हुआ है सिंगल बे में आपका कह सकते हैं कैसा है डबल हो गया बिनु में आपका काना अर्थात मात्राएं लगाना आप समझ गए होंगे ना कि जो आपका लघु स्वर होता है दीर्घ स्वर का अंतर समझ गए बस इतना समझिए कि जहाँ चंद बिंदी होती है उसका जो मात्रा होती है आपके सिंगल होती है लेकिन जो बिंदी होती है उसकी मात्रा आपकी डबल होती है जहाँ भी कभी सा लगा हुआ अर्थात कह सकते हैं कि किसी भी शब्द के पहले आधा शब्द लगा है तो वहां पर हमेशा कह सकते हैं कि इसका मर्थ कोई नहीं होता सिंगल आपको यहाँ पर डबल लगाना होता है समझ में आ गया ना तो इस प्रकार से जो चौपाई होती है तो चौपाई का भी आप उदाहरण देख लीजिए और स्क्रीन आप ले सकते हैं इसको और अगर आप भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं तो इस प्रकार

यहाँ पर देखिए मतलब कह सकते हैं कि पूरे चरण में देखा जाए तो चौबीस मात्राएं निकलती हैं मतलब ग्यारह और तेरह के विराम होता है ठीक है तो उसमें से कुल मिला के चौबीस मात्राएँ होती हैं कुछ लोग क्या होते हैं ग्यारह और तेरह के विराम पर ये का होना अथवा इसके अंत में दो गुरु या दो वर्णों का होना आवश्यक समझ लेते हैं ठीक है थीके? लेकिन ऐसा अनिवार्य नहीं होता है किसी में भी ठीक है ये आपको कह सकते हैं रोला का सूत्र लिखा है इसको देख सकते हैं कि रोला कल चौबीस रुद्र सरता यथिधारी इनको आप जोड़िएगा तो आपकी कुल मिलाकर कितनी होगी चौबीस होंगी, होंगी ठीक है देखो ग्यारह गया, तेरह कुल मिला के चौबीस

तो कुंडलियाँ क्या होती हैं ये दोनों छंद कुंडली रूप में एक दूसरे से गुथे रहते हैं इसलिए इसे कुंडलियाँ छंद कहते हैं याद रखिए कि यह विषम मात्रिक और संयुक्त छंद है कैसे इसको समझिए कि कुंडलियों में छः चरण होते हैं याद रखिए कि कुंडलियों में कितने छः चरण होते हैं कुंडलियों के प्रथम दो चरणों में दोहा ठीक है याद रखिए कुंडलियों से क्वेश्चन यहाँ से वो पूछेगा कि जो कुंडली होती है उसमें क्या होता है तो कुंडलियों के प्रथम जो आपके चरण होते हैं उसमें दोहा के लक्षण और बाद के जो चार चरण होते हैं उसमें रोला के लक्षण होते हैं हमने रोला को बता दिया है दो भी बता दिया है दोनों भी समझ गए ना अर्थात कुंडलियों के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं मात्राओं का क्रम पहले दो चरणों में आपका 13 11 और बाद के चरण में आपका 11 13 क्योंकि उल्टा हो जाता है है ना तो इस हिसाब से आपका होता है तो इस प्रकार से देखा जाए कि दोहे का अंतिम चरण और रोला का प्रथम चरण एक ही प्रकार का होता है होता है ना क्योंकि जब उल्टा होता है तो लगेगा ही अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी पहचान कुंडली की क्या होती है सबसे बड़ी पहचान होती है कि जिस कुंडलियों में जिस वर्ड से शुरुआत होगी उसी वर्ड से अंत होगा समझ में आ गया ना यही पहचान होती है आपकी किसकी कुंडलियों की होती है समझ में आ गया भाई आ गया ना चलिए आगे पॉइंट इसको उदाहरण को आप समझ लीजिएगा आगे यहाँ पर पॉइंट आते हैं अब आपको देखना है बरवे ठीक है बरवे अब बरवे क्या होता है बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बरवे से कराब से बरवे कराप से बरवे जो आपका है वो अर्धमात्रिक छंद है बरवे क्या है बरवे अर्धस मात्रिक छंद है और इस छंद में चार चरण होते हैं इसके पहले और तीसरे चरण में बारह बारह मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में सात सात मात्राएं होती हैं तथा सम चरणों अर्थात दूसरे और चौथे चरण के अंत में जगण तथा स्वरूप का आना आवश्यक होते हैं देख लीजिए इस प्रकार से इसको उदाहरण आपको देते हैं एक इसका सूत्र होता है तो इस सूत्र को भी देख सकते हैं कि बरवे मतलब कि विस्मय बारह बरवे सत दिन जात याद तो रहे नहीं गा हमें पता है अब इसको यहाँ पर सिंपल आप समझ लीजिए इस प्रकार से कि उदाहरण इसका है कि इस प्रकार से है ना तो देखो उदाहरण इस प्रकार से आपका है उदाहरण दिया आपका अवध शिला का पर ठीक है ये आपका देखो यहां पर दिया था कि शिला का पर ठीक है था गुरु भार फिर यहां पर तृतीय चरण आपका है तिल तिल काट रही थी ठीक है द्रग जल भार ठीक है ये आपका देखो प्रथम चरण हुआ ये द्वितीय चरण हुआ ये तृतीय चरण और ये चतुर्थ चरण रूल के अनुसार आपसे कहा गया था कि पहले चरण में आपकी कितनी होती है? हैं बारह मात्राएं ठीक है ना फिर दूसरा चरण जो होता है उसमें सात मात्राएं होती हैं यहाँ पर तृतीय चरण में बारह मात्राएं फिर दूसरे में सात मात्राएं समझ में आ गया होगा है ना चलिए अब यहाँ पर अगर देखो मात्राएं देखा जाए तो मात्रा भी आप इसके अनुसार निकाल के लगा सकते हैं अब आपको गलतियां नहीं होंगी बरवे में भी बस आपको रटना तो पड़ेगा भाई कि बरवे में होती कितनी मात्राएं हम घोल कर नहीं सकते आपको ठीक है कि खोल दें और बिल्कुल पी जाओ आप लोग है ना आपको पढ़ना पड़ेगा बस आप नोट्स बनाएंगे परसेंट आपको मिलेगा फ़ायदा और इसीलिए हम हम आपको टॉपिक आए हैं हैं जानते कि बच्चे ज़्यादा देखेंगे नहीं फिर भी हमने प्रयास किया है कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर छंद बता दीजिए और इस प्रकार से बता दीजिए कि मात्रा गिनना सीख जाए और हमारे हिसाब से अब आपको मात्रा का भी पता चल गया होगा किस प्रकार से मात्रा कहाँ पर लगती है कहाँ नहीं लगती है और अगर आप इसे नोट्स बनाएंगे तो 100 परसेंट आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर मात्रा

तो देखो कह रहा है प्रत्येक चरण में आपकी सोलह और बारह मात्राएं होती है कैसे यहाँ पर अगर इनको जोड़ेंगे इनको जोड़ेंगे तो सोलह बनेंगे फिर इसके बाद आपके क्या बनेंगी बारह बनेंगी कुल मिलाखी कितनी हो गई अट्ठाइस ठीक है फिर इसके बाद आपका अगला देखें पॉइंट तो आपका अट्ठाइस कुल मिला की जो हर गीत का होती क्या होती है सम मात्रिक छंद होती है समझ में आ गया ना आ गया समझ में देख लीजिए इसको जूम करके देख ले सकते हैं चलिए अगले पॉइंट में आते हैं अगला पॉइंट आपसे कह रहे हैं हम यहाँ पर नोट्स आपको बनाने के लिए दिए हैं ठीक है आपको नोट्स बनाना है नेक्स्ट कर आपसे उल्लाला क्या होता है उल्लाला यह भी चार चरणों वाला अर्धसम मात्रिक छंद है इसमें से प्रथम एवं तृतीय चरणों में अर्थात विषम चरणों में पंद्रह पंद्रह मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर चरणों में अर्थात कह सकते हैं कि आपकी तेरह तेरह मात्राएं है होती हैं इसको समझिए कैसे तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये आपका जो चरण है वो आपका कौन सा है ये प्रथम चरण है यहाँ पर द्वितीय चरण है ये तृतीय चरण है, ये चतुर्थ चरण है तो देखो प्रथम चरण में आपकी जो मात्रा हैं यहाँ से यहाँ तक कितनी है पंद्रह मात्राएँ द्वितीय चरण में कितनी आपकी तेरह मात्राएँ कुल मिला देखा जाए तो पच्चीस हो गई ठीक इसी प्रकार तृतीय मात्रा में देखा जाए तो उसी पर चतुर्थ में देखा जाए तो कुल मिलाकर अट्ठाइस हो गए और सॉरी यहाँ पर पच्चीस नहीं अट्ठाइस होंगी आपकी दोनों में अट्ठाइस होगी तो इस प्रकार से आपका उल्लाला हो गया समझ में आ गया उल्लाला कैसा है नोट्स में लिखी है कॉपी में लिखिएगा आप सब लोग ठीक है चलिए तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा आपको नोट्स बनाने के लिए आपको बता रहे हैं क्योंकि हम एक बार बार रटा नहीं सकते हैं आपको अगर नोट्स आप लिख लेंगे तो हंड्रेड आपको रट जाएगा इसकी गारंटी हमारी है बस एक दो बार आपको टेस्ट पेपर लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अब आपको पढ़ना है छप्पे क्या होते हैं तो देखो जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है छप्पे अर्थात छह चरणों वाला विषम और संयुक्त मात्रिक छंद ये आपका देखो कैसा है संयुक्त मात्रिक छंद है और इसकी विशेषता यह है कि इसके प्रथम चार चरण रोला छंद के तथा अंतिम दो चरण होते हैं उल्लाला के देखो हमने आपको रोला भी बताया है और आपको कह सकते हैं उल्लाला भी बता दिया है है ना क्रम से बिल्कुल बता रहे हैं तो छप्पा में उल्लाला के सम विषम चरणों का युग जो होता है कुल मिला के अट्ठाईस मात्रों का होता है अब यहाँ पर मात्रा समझिए और उदाहरण समझिए देखिए छ चरण आपके पहले बात एक दो तीन चार पाँच छः चरण हो गए हो गया ना चलिए यहाँ पर आपको दिया है देखिए इस वाले में तो अगर मात्राएं गिनेंगे इनमें से मात्राएं अगर इतने में गिनेंगे तो आपकी ग्यारह मात्राएं आएंगी इनको जोड़ेंगे तो आपकी तेरह मात्राएं आएंगी है ना तो ग्यारह और तेरह को जोड़ेंगे तो कुल मिला आपका चौबीस हो जाएंगे जो कि रोला छंद्र में मात्राएँ होती हैं अब यहाँ पर इसे अगर जोड़ेंगे है ना तो आपकी कह सकते हैं पंद्रह और तेरह होंगी तो कुल के 28 हो जाएंगी जो कि उल्लाला छंद को हो गया तो बर छप्पा किससे बना आपके रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है आपका छप्पे, ये भी आपको समझ में आ गया भैया बिल्कुल आ गया ना आप लोग इतना ज़्यादा वीडियो लाइक करिए ठीक है मतलब एक ही बार कर सकते हैं ज़्यादा मत करिएगा तो देखो यहाँ पर हमने आपको यहाँ पर मात्रिक छंद बता दिया है अब जैसे ही टाइम लगेगा हम आपको वर्णिक छंद भी आपको बता देंगे जैसे वर्णिक छंद होता है इंद्रव्रज क्या है उपेंद्र व्रज क्या है और वसंत तिलिका क्या है मालिनी क्या है सवैया क्या है है ना उभय छंद क्या है मुक्तक छंद क्या है इनको समझने के लिए आपको एक वीडियो और देखना पड़ेगा तो हमने प्रयास किया है तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि आप लोगों ने अगर कमेंट मतलब पूरा वीडियो देखा है तो पूरा वीडियो देखा है तो आपको एक जवाब देना है ये जवाब आपका यह देना है क्या देना है कि बीर रस का स्थाई भाव क्या है हमने इसलिए कमेंट पूछा है ताकि हमें पता चले क्या किन लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है बीर रस का स्थाई भाव क्या होता है आपको जवाब देना है ठीक है भाई तो आज की वीडियो इतना ही पसंद आए तो वीडियो लाइक भी करिए और अब अगर आपको अच्छा लगे कि नहीं सर ने हमें किस गाइड किया है कि नोट्स बनाने के लिए तो आप नोट्स बना लीजिए इसका हमेशा काम देगी आपको इस प्रकार से कोई आपको बताएगा नहीं ना ही आपको किसी किताब में आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा हाँ मिलेगा ऐसा नहीं बहुत बुकें होती है जैसे नालंदा में आपको मिल जाएगा ठीक है तो आप पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे से कर सकते हैं तो आज की वीडियो इतना ही मिलते हैं नए वीडियो में धन्यवाद जय हिंद जय भारत वंदे मातरम